बिग आईज, सुंदर मानी जाती है ना, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कहते ना यही हो, ऐसे लोग कैसे होते हैं ये देखिए, ये लोग सेंटिमेंटल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जेनरस होते हैं, और इन लोगों का ना दूसरे लोग एडवांटेज बहुत लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी आंखें होती बहुत अच्छी हैं, बट इनको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। लोग जनरली इनको बेवकूफ बनाते बना जाते हैं आराम से, ठीक है। छोटी आंखों वाले माइन्यूट ध्यान से देखेंगे दूसरों की ना लाइफ में, तांग झांक करने वाले हैं, माइन्यूटली देखना पसंद करते हैं दूसरों की लाइफ में कि हाँ क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये क्या कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में भी आसपास थोड़ा सा ना ध्यान ज्यादा रखते हैं ऐसे लोग। उसने क्या पहना है, जैसे जो हम कहते हैं ना पंचायती, है ना, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा शब्द है ये, कि बहुत हर चीज को ना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहेंगे। अरे अच्छा उसने ये कलर पहना हुआ था, नहीं, ये कलर नहीं था, उसमें थोड़ा सा लाइट ग्रीन था, ओके, वो कलर भी उस तरह से स्पेसिफाई करें, इतना माइन्यूटली चीजों को देखते, लोगों को पॉइंट आउट करने में भी माहिर होते हैं, यहाँ तूने ऐसा किया था, मैंने देखा था, ओके। तो इस वजह से थोड़े से रूड भी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जिद पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा अक्खड़ भी होते हैं, भले उनको बाद में पता चल जाए कि नहीं यार हमने गलत कर दिया, माफी मांग लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एट वन पॉइंट थोड़े रूड भी होते हैं, ठीक है। और इमोशनल माइंड पीपल तो होते ही हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा दूसरों के पचड़ों में ध्यान लगाते हैं ना, तो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेल्फ डिसेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे यार उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं लोग, ओके। चलिए, अब कभी कभी होता है एक आंख बड़ी होती है, एक आंख छोटी होती है, ठीक है। इसकी जो है, इसमें राइट आई जो है वो बड़ी है, ओके, लेफ्ट आई छोटी है। ऐसे लोग जो होते हैं फर्स्ट हाफ जो उनका करियर होता है उसमें बहुत फोकस्ड होते हैं, एक बार ये लोग सेटल हो जाते हैं ना, फिर ये लोग अपनी सिर्फ इमोशनल नीड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर करियर पे ध्यान नहीं देते। फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ ये पूरा वर्क करेंगे, सब करेंगे, बाद में ये लोग आराम से अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनका पहला मोटो क्या हुआ, काम करो आधी जिंदगी और आधी जिंदगी आराम करो। इमोशनल भी बहुत होते हैं, क्योंकि लेटर हाफ में काम नहीं होता इनसे, फिर इनको सपोर्ट्स की जरूरत होती है, इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे, ओके। अब जो जिनकी लेफ्ट आंख ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिवली टू देयर राइट आई, ये जनरली इसी चीज में घुसे रहते हैं, इसी चीज में इनका ध्यान रहता है, यार हम कौन हैं, हम इस जिंदगी में क्यों आए हैं, इमोशनली अपने आप को ड्रेन करते रहते हैं। लेकिन ये 35 साल के बाद, मतलब फर्स्ट हाफ तो इनका ऐसे ही जाता है, लेकिन जो सेकेंड हाफ होता है ना उसके बाद ही अपने करियर पे ध्यान देंगे, नहीं यार मुझे तो कुछ करना था लाइफ में, ऐसे कैसे हो गया, उसके बाद ये लोग जगते हैं बेसिकली, ओके। वही जैसे लेट ब्लूमर्स, लेट ब्लूमर्स हमने आंखों वो कान के लिए क्या, कौन से वाले कान थे लेट ब्लूमर्स के, एनीवन याद है किसी को, अभी कान में देखा था हमने लेट ब्लूमर्स जो आराम से जगते 35 साल के बाद, जिनके कान कंपैरेटिवली लो होते हैं वो लेट मैम ब्लूमर्स। जिसका बड़ी जब मैम जिसका ईयर कंपेरेटिवली बड़ा होता है, उल्टा बोल रहे हो भाई, जिनका बड़ा होता है वो तो काफी अच्छे होते हैं, लेट ब्लूमर्स कौन होंगे जिनका कान जो है वो आंखों के भी थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। हाँ मतलब वो दो, एक लड़की और एक लड़का का फोटो दिखा है ना, एक लड़की का ऊपर और लड़के का नीचे, वो उसका, हाँ, ठीक, समझ में आया नहीं? हाँ कंफ्यूज मत हो भाई,
चलिए अभी आंखों की और बातें करेंगे। आंखों के बीच में जो गैप होता है वो क्या क्या बताता है? कुछ लोगों के आपने देखा होगा ना, बहुत आंखें दूर दूर होती हैं, और बहुत लोग, कुछ लोगों की थोड़ी पास पास प्लेस्ड होती हैं, ठीक है ना। अगर किसी की बहुत दूर है, मतलब काफी अच्छा गैप दिख रहा है, जैसे ना कई लोगों का देखा होगा आपने, यहाँ से ऐसे ऐसा लगता है कि नाक चपटी है और दोनों आंखें काफी दूर दूर है, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो गैप काफी है दोनों आंखों के बीच में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काइंड हार्टेड होते हैं, बड़ी पिक्चर देखने वाले होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा दिखता है, ये तो है इतना, उसके अलावा आंखें यहां से हैं तो इतना और दिखेगा ना, बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर लाइफ की हर चीज में। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, थोड़े हम्बल होते हैं, कभी टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम का थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम होता है, कभी भी टाइम पे नहीं आते, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कोचेस जो होते हैं ना, टीम कोचेस जो होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं लीडर्स होते हैं, जो उनके कैप्टन वो होते हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं।